मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज देखेंगे ज़ेब्रा डेनिस का ब्रीडिंग घर में कैसे करें। प्लांटेड एक्वेरियम में ये बहुत अच्छा दिखता है, ये बहुत सारा कलर में आता है और इसको ग्लोफिश भी बोला जाता है। चलिए देखते हैं मेल फीमेल हम लोग कैसे पहचानेंगे। देखिए मैंने एक मेल ज़ेब्रा डेनिस को कंटेनर में उठा लिया हूँ। देखिए इसका बॉडी शेप, देखिए बॉडी शेप पूरा लंबा है, पतला है। और अब देखिए मैंने फीमेल को उठा लिया है, इसका बॉडी शेप देखिए कितना मोटा है और उससे बहुत बड़ा भी है, अच्छे से देख लीजिए। मैंने मेल फीमेल को देखिए एक साथ रख दिया हूँ, ऊपर से व्यू आप देख लीजिए दोनों में, देखिए डिफरेंस ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगा। दोनों जब आप एक साथ रखेंगे तो ऐसे ही आपको पता चल जाएगा, अगर फीमेल के पेट में अंडा होगा तो ऐसे ही वो राउंड शेप आ जाएगा और मेल तो पतला और लंबा टाइप का होगा। चलिए साइड व्यू भी देख लीजिए, साइड से दोनों को डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा कैसा दिखता है दोनों डिफरेंस, अब देखने से पता चलेगा। देखिए मैंने एक गमला ले लिया है और एक झुड़ी ले लिया है और उसके नीचे मैंने दो पत्थर रखा है और झुड़ी में मैंने पूरा प्लांट लगा दिया है। और देखिए पानी मैंने इतना कम ही रखा है, जितना कम रखेंगे उतना अच्छा है। इसके ब्रीडिंग के लिए ऐसे प्लांट यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, बिना प्लांट के ब्रीडिंग संभव नहीं है। मैंने झुड़ी में मेल सब ज़ेब्रा डेनिस को छोड़ दिया हूँ, ये सब घूम रहा है देखिए। अभी मैंने फीमेल को सब अलग से ले लिया हूँ, फीमेल को उठा कर लेके आया हूँ, अभी फीमेल भी इसके अंदर छोड़ेंगे हम लोग। चलिए छोड़ते हैं। अभी मैंने पानी को शूट करने के लिए दे दिया हूँ कि टेम्परेचर दोनों का सेम हो जाए, इसके बाद दोनों को एक साथ छोड़ देंगे। चलिए अभी फीमेल को मेल के साथ छोड़ देते हैं, आहिस्ते आहिस्ते इसको छोड़ देंगे इसके साथ। अभी सबको एक साथ छोड़ दिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसको किसी भी चीज़ से ढक देंगे। मैंने थर्मोकोल का यूज़ किया है, थर्मोकोल से मैंने ढक दिया है, इसके बाद छोड़ देंगे, सुबह देखेंगे इसका रिजल्ट। देखिए उसके अंदर, सॉरी मैं आपको अंडा नहीं दिखा पाया, लेकिन देखिए अंडा हैच होके बहुत बच्चा निकल गया है। बच्चा देखिए चारों तरफ इधर उधर घूम रहा है, बहुत सारा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा है। हैच होके ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि कुछ चीज़ इधर उधर हिल रही है। हैच होके देखिए 15 दिन के बाद बच्चे में कलर आना भी चालू हो गया है। मैं एक बच्चा को उठा के आपको दिखा रहा हूँ कैसा दिखता है, इसके बाद कलर इसको हम लोग बड़ा जगह में छोड़ेंगे। छोटा है देखिए, मैं वो सब बच्चे लोगों को एक्वेरियम के अंदर रखा हूँ। अभी इन सब का उम्र 2.5 से 3 महीने का हो गया है, ये बहुत बड़ा हो गया है, थोड़ा बड़ा हो गया है, ये सब थोड़ा और बड़ा होगा तो मैं इसको बड़ा जगह में छोड़ दूँगा। देखिए मैंने सबको बड़ा जगह में छोड़ दिया है कुछ दिन बाद, अभी ये लोग और ज़्यादा बड़ा होगा और ब्रीडिंग के लिए तैयार होगा। देख लीजिए मैं एक बड़ा जगह में छोड़ दिया, यही है ज़ेब्रा डेनिस का सिंपल ब्रीडिंग, आप घर में कभी भी कर सकते हैं, कोशिश करके देखिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक भी करिएगा वीडियो अगर पसंद आया होगा। बहुत सिंपल प्रोसीजर है।